भाई कितना क्यूट लग रहा है। बहुत ही क्यूट लग रहा है। ओ माय गॉड, ले ले ले। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी को खानी है क्या? आकरो ये दिख कर दिया, वो दिखा वो दिखा था। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज एंथनी एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हम लोग हैं गुमला एग्रो पार्क के मछली घर में और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और बहुत सारी मतलब यू नो अच्छे अच्छे मछलियाँ हैं और कछुआ भी है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कछुआ भी है, जिस तरह का व्यू है एक्वा वर्ल्ड फ्लावर हॉर्न। ये मछली अकेला रहना पसंद करती है और ये बहुत समझदार तथा हिंसक है, बट इसमें मछली तो मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मेरे को तो कछुआ दिख रहा है जो बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखो बहुत ही क्यूट लग रहा है। ओह माय गॉड, ले ले ले। चलते गए आगे। ओ माय गॉड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब, कुछ शानदार व्यू है यार। रोजी बारब एंड टाइगर बारब, रोजी बारब एंड टाइगर बारब है गाइस। ये बारब ग्रुप की मछली है। ये मछलियाँ एक साथ झुंड बनाकर अपनी रक्षा करती है और अकेली मछली पर हमला कर देती है। मतलब जैसे कि ये हमेशा झुंड में रहती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अपना जो शिकार होगा उसमें हमला करती है एक साथ। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी को खानी है क्या? गाइस ये है आपका रेड शॉर्ट टेल मोली, रेड शॉर्ट टेल मोली नरों का तलवार स्वरूप पूछ होता है भाई साहब। कुछ इस तरह का व्यू, बहुत ही बड़ा बड़ा है यार, मजा आ गया देख के। ये देखो भाई क्या है, बहुत ही ज्यादा क्यूट अल्टीमेट यार। ये देखो मेरे तरफ आ रही है, मेरे तरफ आ रही है। आजा 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 आजा। ये क्या है भाई, ये देखो देख लेते इसे। ये है आपकी एंजल, एंजल फिश है गाइस। तो गाइस ये है एलिबनो शार्क, शार्क की यह सफ़ेद प्रजाति पूर्व विश्व में पाई जाती है। यह अत्यंत खतरनाक एवं बुद्धिमान प्रजाति है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बुद्धि में क्या है, लार्ज या बना हुआ है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है और कितना क्यूट लग रहा है। देखिए वहाँ से पानी फ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मछलियाँ पूरा एंजॉय कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिस तरह का व्यू है। चलते नेक्स्ट में। ये है आपका, ओ भाई साहब बड़ी बड़ी मछलियाँ, ये इतना ज़्यादा क्या भी बोलना इनका। ये है ब्लू और पर्ल गोरामी, गोरामी प्रजाति की। इन मछलियों का मूल निवास जापान और चीन है। ये मोस्टली का जापान और चीन में पाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। अब अगले चलते हैं गाइस। इधर है आपका, ये कौन सी मछलियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये है आपका स्वनकिन। इन मछलियों का प्रयोग मूलतः एक्वेरियम के सजावट के लिए किया जाता है। अच्छा, इनको सजावट के लिए किया जाता है गाइस। इस तरह का व्यू है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे भाई साहब इसे किसने अकेला छोड़ दिया, अकेला नहीं गाइस, यहाँ पर और एक है, दोनों हैं पति पत्नी। और ये क्या है, आई डोंट नो क्या ये,
सीन क्रिकेट टाइप का लगेगा, बट पता नहीं क्या है, बट इसका नाम है गोल्ड फिश। इस तरह का व्यू है, बहुत ही सुंदर। ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ से खत्म हो गया। इधर तो पूरा खाली है, देख सकते आप। तो गाइस देख सकते यहाँ पे बहुत बड़ी मछली है, इसका नाम है मलीना कार्प, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और यहाँ आपको पता है सबसे बड़ी मछली यही है, सबसे बड़ी मछली यही है। ये क्या है, ये क्या है, क्रोकोडाइल? नहीं है क्रोकोडाइल भाई, नाम क्या है? अच्छा क्रोकोडाइल फिश एंड इस साइड है घाई हाइब्रिड। तो मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखिए आप सबसे बड़ी मछली। ओ भाई साहब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, ओ भाई कितना क्यूट लग रहा है। ओ यार ये रहे, इसका नाम है आपका मिल्की कार्प। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिश। भाई साहब कितना बड़ा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ओ भाई साहब इसका नाम है पिराना। अबे पिराना ये, पिराना ये भाई साहब, इसके दांत देखो जरा, पिराना कितना है। आकरो बेटा आकरो, आकरो आकरो आकरो, ये दिख रही है, वो दिखा, वो दिखा दांत, वो भाई दिखा दांत इसका, खतरनाक दिख रहा है, वो भाई खतरनाक दिख रहा है। कितनी है, 1 2 3 4 है भाई साहब। इधर देखो, इधर देखो, आ करो आ करो आ करो भाई साहब सबसे बड़ी मछली यहाँ पे यही है। और नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे, ये कौन सी है, ये है भाई साहब आपका टाइगर शार्क। टाइगर शार्क है गाइस, ये यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग चल रहा है हम लोग का। यहाँ पे बहुत सी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, मज़ा आ गया देख के। जैसे कि अभी आपने देखा हमने गुमला पार्क का जो मछली घर था उसको हमने अभी शूट किया था, बहुत ही अच्छा अच्छा व्यूज़ आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।